नमस्कार साथियों साथियों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर। डीपीआई ने फिर बढ़ाई शिक्षक उच्च पद प्रभार प्रक्रिया की समय सीमा। समस्त शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहेंगे, लंबे समय से माध्यमिक शिक्षक और यूडीटी हमारे जो साथी हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, भाई अपने उच्च पद प्रभार के जो आदेश है वह निकलने का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक उच्च पद प्रभार के आदेश जारी नहीं हुए हैं। लगातार डीपीआई अंतिम पदक्रम सूची जारी करने के निर्देश देता रहा है और तय समय पर अंतिम पदक्रम सूची तैयार नहीं हुई है। अभी उम्मीद ये जगी थी कि फरवरी के अंतिम सप्ताह तक शिक्षकों के उच्च पद प्रभार के आदेश जारी कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो अंतिम वरिष्ठता सूची का कार्य था वह संपन्न करा लिया गया था। अब उसी क्रम में डीपीआई से शिक्षकों की उच्च पद प्रभार प्रक्रिया को लेकर नया अपडेट आया है, जिसमें शिक्षकों की उच्च पद प्रभार की जो समय सीमा है उसको एक बार फिर फरवरी के अंत तक बढ़ा दिया गया है। आइए अपडेट जानते हैं। साथियों आप देख सकते हैं लोक शिक्षण संचालनालय गौतम नगर भोपाल से 21 फरवरी 2024 को समस्त संभागीय संयुक्त संचालक समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों के लिए शिक्षक संवर्ग, जिसमें कि उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान अध्यापक और माध्यमिक संवर्ग की 1/4/23 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतरिम पदक्रम सूची का प्रकाशन किया गया है। अब इसमें अगर इसके निर्देशों को हम देखें तो इसमें स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान अध्यापक, माध्यमिक शाला सहित दिनांक 1/4/23 की स्थिति में राज्य स्तरीय अंतरिम पदक्रम सूची जारी की जा रही है। सूची विभागीय विमर्श पोर्टल पर उपलब्ध है। अब इसमें भी निर्देशित किया गया है कि यदि किसी लोक सेवक को सूची में आपत्ति है तो भाई अपने अभ्यावेदन 26 फरवरी 2024 को 5 बजे के पूर्व प्रस्तुत कर सकते हैं, यानी कि 26 तारीख तक अब इस अंतरिम सूची पर अभ्यावेदन लिए जाएंगे, आवेदन लिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त संयुक्त संचालक इस सूची को समस्त जिलों के लोक सेवाओं तक प्रसारित कर दावे आपत्ति प्राप्त करेंगे। कार्यालय में इस हेतु एक अधिकारी कर्मचारी को नोडल बनाकर उसे अभ्यावेदन प्राप्त करने का दायित्व सौंपे। तदुपरांत लोक सेवकों को प्राप्त दावे आपत्ति पर अपने अभिमत सहित जानकारी दिनांक 29 फरवरी 2024 को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में संचालनालय के स्थापना कक्ष को विशेष भाग से उपलब्ध कराएं। कृपया सर्व संबंधितों को सूचित करें, यानी कि 29 फरवरी तक अभी जानकारी चाहिए गई है। अब ऐसे में एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है, 29 तारीख तक जानकारी भेजी जाएगी, उसके बाद में अंतिम पदक्रम सूची उच्च श्रेणी शिक्षक, प्रधान अध्यापक, माध्यमिक संवर्ग की जारी होगी, उसके बाद आदेश जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। लगातार शिक्षकों के उच्च पद प्रभार की जो प्रक्रिया है वो आगे ही बढ़ती जा रही है। देखते हैं अब इसको लेकर डीपीआई कब तक शिक्षकों के आदेश जारी करता है। साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।